संस्था की ओर से सभी पत्रकार बंधुओं का हमारे आए हैं, हमारे थोड़े से आगे रहने उनका मैं स्वागत करता हूँ। हमने आज जो पत्रकार वार्ता बुलाई थी, यह संस्था वैसे तो शैक्षणिक है, शिक्षा के स्तर पर काम करती है, लेकिन धार्मिक आयोजन जैसे जन्माष्टमी का है, दशहरा महोत्सव है, यह भी 62 वर्ष से मनाती हुई आ रही है और उसके अलावा जो हमारे जो शिक्षा का स्तर रहता है, जैसे हम दशहरे महोत्सव की वजह से बैठे हैं यहाँ पर, शिक्षा के स्तर में भी हमारे यहाँ 2000 बच्चे और उसमें हम 1000 बच्चों की फीस जो है संस्था आधी फीस लेता है, क्योंकि संतों का भी कहना था कि गरीब जो बच्चे हैं, जो परिवार गरीब परिवार है, उनकी आधी फीस दी जाए, बल्कि हमारे यहाँ स्टाफ भी 100 से ज़्यादा है, उनको भी तनख्वाह देनी पड़ती है और आज के युग में हर टीचर चाहता है कि मेरी तनख्वाह बढ़े, लेकिन उसके पश्चात भी हमारे यहाँ ये संस्था जो है शिक्षा के साथ साथ धार्मिक आयोजन भी करती है और हम जो है ये दशहरे का उत्सव 62 वर्षों से मनाते हुए आ रहे हैं, जन्माष्टमी भी इतने वर्ष हो गए हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी भाइयों का, पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में ये जो हमारा प्रेस नोट है उसको मैं पढ़ता हूँ। नवक सभा संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ विगत 67 वर्षों से समाज शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। संस्था पंडित दीनदयाल उपाध्याय कन्या महाविद्यालय एटी शाहनी, कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय एटी शाहनी बालक उत्तर माध्यमिक विद्यालय सिंधु माध्यमिक विद्यालय पंडित दीनदयाल पुण्य ग्रुप द्वारा न्यूनतम फीस पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही है। नव सभा का भवन और मंत्री हिल संत हिरदाराम नगर हाल कई सामाजिक गतिविधियों में उपयोग में लाया जाता है और अधिकतर कार्यक्रम निःशुल्क होते हैं। संस्था जवाहर वाचनालय का संचालन भी करती है, जहाँ पर ये वाचनालय जो है वो अपने स्टेशन रोड पर है और वर्षों से संस्था पिछले 62 वर्षों से विजयदशमी महोत्सव मना रही है। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी नवयुग सभा द्वारा दशहरा महोत्सव दिनांक 30/9/17 दिन शनिवार को हाईस्कूल ग्राउंड संत हिरदाराम नगर पर मनाया जाएगा। इस उत्सव में नगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 2 लाख संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं। आतंकवादी में बढ़ रही है तो नल को जलाने जाने वाली चीज आ रही है, तो जो लगातार बड़ी मोटी आतंकवादी नहीं कर पाता ये सब जैसे सरकार का कहना बहुत जरूरी करना पड़ता इस बात का इसे क्या रहता है कि रावण में ज्यादा से ज्यादा आतंकवाद जलवाने के लिए आदर दिया है, रावण और लोग आतंकवादी देखी प्रफुल्लित हो गया। हमने कोशिश की है गाँव में ज़्यादा ज़्यादा आतंकवादियों के ग्राम के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादियों लिखे लोगों को इस प्लाट पर मैदान पर उठने का लगा होगा। और मीडिया के सभी को मैं प्रणाम। आप हम जानते हैं कि मीडिया प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ है। मीडिया के अलावा आज के युग में कुछ भी नहीं हो सकता। मीडिया चाहे तो उसको आसमान पे पहुंचा दे, मीडिया चाहे तो उसको जमीन पे ला दे। अभी अगले साल भी थोड़ा बहुत जो हुआ, यदि ये पिछले साल तो भी मीडिया को जिस प्रकार नेक्स्ट वॉक अटेंड करना चाहिए था नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ। और इस बार इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं होगी। आपका सम्मान है, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मुझे विश्वास है कि आपका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। ये संस्था जो है करीब 60 साल से भी ऊपर का एक दशहरा मना रही है। इसके पीछे भाव यही था कि यहाँ के लोग भोपाल जाते हैं, गांव के लोग कहाँ जाएं, इसी भाव भावना से ये कार्यक्रम दशहरे का किया गया। पत्रकार वार्ता में आदार सामान्य पत्रकार बंधु नव्य सभा के पदाधिकारी बन नव्य सभा 1950 से स्थापित होकर के और अभी तक समाज के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। 1950 के बाद हमने 53-54 से ये विजयदशमी
का आश्रम बनाने शुरू किया था। उस समय हम स्वयं अपने हाथों से और रावण बना करके और उसका वध किया करते थे राम जी के द्वारा। तो तब से और अभी तक ये संस्था चल रही है, कार्य कर रही है।